गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर, गुड इवनिंग देखिए, सर। यहाँ पॉलिटी या जिसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं आप, उसमें थोड़ा सा सबसे कठिन माना जाता है थिंकर। ठीक है, आपको 5 थिंकर पढ़ना है, 2 विदेशी थिंकर पढ़ना और 3 इंडियन थिंकर पढ़ना है। ये 5 थिंकर आपके सिलेबस है, उसी के हिसाब से आपको पढ़ना है। दो जो विदेशी थिंकर है वो है, एक प्लेटो है और एक है अरस्तु है। और इंडियन थिंकर में है कौटिल्य हो गया, महात्मा गांधी हो गया और अंबेडकर जी हो गए। तो ये 3 हो गए इंडियन और 2 हो गए आपके वेस्टर्न थिंकर, इसे कहते हैं, या पश्चिमी राजनीतिज्ञ जिसे कहते हैं। और उनके राजनीतिक विचार को पढ़ना है। देखिएगा, जो सुकरात थे, पहले सुकरात के शिष्य थे प्लेटू, और प्लेटो के जो शिष्य थे वो है आपका अरस्तु। प्लेटो के शिष्य कौन है? अरस्तु। इन तीनों को जानने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा सुकरात के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, सुकरात लगभग 500-600 BC के आसपास का जो टाइम पीरियड है इंडिया में, जैसे आपको पता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म जब का विकास हुआ था, उसी समय क्या है आपके यूरोप में, यानी यूरोप में जो आपका जो इस तरह आप कह सकते हैं पूर्वी यूरोप जिसे कह सकते हैं, पश्चिमी यूरोप नहीं, पूर्वी यूरोप। तो पूर्वी यूरोप में एक जगह है एथेंस, जो इस समय यूनान में है। यूनान एक देश का नाम, जिसको ग्रीक कहते हैं या यूनान कहा जाता है। उसी में क्या होता है, उनकी राजधानी है एथेंस। देखिएगा, एक बात समझिएगा, यूरोप में जो नॉलेज का जो सेंटर था वो दो था, एक था एथेंस और एक था रोम। जो ये इंग्लैंड वगैरह जो क्षेत्र ना, ये पहले डेवलप नहीं था, पहले समझ लिया। प्राचीन काल में अगर यूरोप को अगर देखा जाए तो रोम और क्या है जो आपका एथेंस है, ये ज्यादा डेवलप था। ये यहाँ पे जो राज्य था वो बहुत पावरफुल राज्य हुआ करता था। आप लोग जानते कि यूनान के जो शासक थे वो क्या थे? सिकंदर। सिकंदर कहाँ से थे? यूनान से थे। उसके बाद बड़े बड़े जो उस समय के पुराने जो राजा थे वो सब क्या है, यूनान से होते थे। जो बहुत सारे आप लोगों ने पिक्चर भी देखे होंगे, उसमें बने हुए हैं, और उसमें बहुत सारे क्या होता है राजाओं के नाम आपको मालूम होगा। या जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जो जो ओलंपिक गेम्स वगैरह है, ये भी क्या एथेंस से शुरू हुआ था। वो भी क्या था, एक युद्ध को में घुड़सवारी करके गए थे एक सैनिक, उन्हीं के नाम पे वो ओलंपिक गेम भी शुरू हुआ था एथेंस से, समझिएगा। तो वो सब क्या है, उस समय वो डेवलप था। एक बात है, जब क्या हुआ था कि ये जो पश्चिम एशिया में जब मुस्लिमों का वर्चस्व बढ़ने लगी, तो ये क्या है एथेंस बर्बाद हो गया। मतलब एथेंस को क्या है, ये जो क्षेत्र था इस पर मुसलमानों का अधिकार हो गया था। जो इसमें तुर्की हो गया, एथेंस हो गया, उसके बाद स्पेन तक क्या हुआ, मुसलमानों का अधिकार हो गया था। तभी क्या है, जो एथेंस में जितने भी दार्शनिक लोग थे या जितने भी विद्वान लोग थे, वो सब रोम चले गए थे। और रोम जाने के बाद रोम से क्या होता है, ये लोग क्या है जर्मनी और फ्रांस होते हुए क्या है ये इंग्लैंड तक के ज्ञान पे थे। देखिए, इसलिए देखिए, पुराने जितने भी ग्रंथ आपको मिलेंगे ईसाई धर्म से संबंधित या कोई भी वहाँ के जो साइंटिफिक जो भी चीज है, वो क्या है आपको ग्रीक या लैटिन भाषा में मिलता है या यूनानी भाषा में मिलता है। वहाँ पे अंग्रेजी भाषा में
वो लिटरेचर आपको नहीं मिल पाता है। अंग्रेजी तो 16वीं सदी के बाद अंग्रेज जो अंग्रेजी भाषा का डेवलपमेंट मिली हुआ है, उससे पहले नहीं हुआ था। जब से उपनिवेश व्यापार का जब से वृद्धि हुआ, यानी जल व्यापार यानी जो जहाजों के माध्यम से व्यापार का वृद्धि हुआ, तभी इसका डेवलपमेंट हुआ। तो चलिए उसको, क्योंकि तो सुकरात जब उनका जो जन्म हुआ था, तो उनका जो विचार था वो क्या था, सुकरात का विचार था पहले आदर्शवाद, यानी वो मानते थे कि वास्तव में लोग क्या है अच्छे होते हैं, यानी नेचर के अगर प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए तो लोग अच्छे होते हैं। लेकिन लोगों पर जब जो उच्च वर्ग के लोग हैं या राजतंत्र है, उस समय राजतंत्र रहा है, तो राजतंत्र के द्वारा उस पर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे प्रतिबंध लगा दिया जाता है जो क्या होता है उनकी जो अच्छाई थी या अच्छाई होते हैं वो क्या होता है धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। यानी आदर्शवाद को यूटोपिया कहा जाता है। यूटोपिया मतलब ऐसा संसार या ऐसा सोच जिसके ऊपर और कुछ नहीं होता। जैसे इसके सापेक्ष में अगर आप इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में यूटोपिया का अर्थ होता है रामराज्य। रामराज्य का मतलब होता है कोई किसी के ऊपर क्रोध ना करे, ईर्ष्या ना करे, चोरी ना करे, सब अपने काम में व्यस्त है और उसी तरह से। ठीक है, आप लोग अगर रामचरितमानस पढ़े होंगे तो उसमें जो धर्म की परिभाषा दिया है तो उसमें बोला कि अगर कोई व्यक्ति परहित करता है तो परहित से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है, और जो स्वाहित के बारे में सोचता है उससे बड़ा अधर्म नहीं है। तो देखिए भारत में जो धर्म का परिभाषा है लोग उसको थोड़ा सा अपने व्यक्तिगत जब ले लेते हैं तो उसका अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इसलिए बोला जाता है कि भारत में या कोई भी जो देश है वो धर्म का जो गलत इस्तेमाल करते हैं, इन देशों में धर्म को मानते हैं, धर्म की नहीं मानते। देखिए ये एक शब्द है और इस शब्द में बहुत बड़े क्या है चीज सीखी हुई है। हम धर्म को मानते हैं, धर्म की नहीं मानते। जिस दिन हम धर्म की मानना शुरू कर देंगे उस दिन क्या है समस्या और कम हो जाएगा, जीवन के सारे समस्याएं कम होने लगेगी। लेकिन क्या होता है ये जो ऊपर के जो राजतंत्र है वो राजतंत्र कहीं ना कहीं क्या होता है इसका बीच में क्या दीवारें खड़ी करता। अभी आप लोगों ने देखा होगा उत्तराखंड हो गया, उसके बाद पश्चिम यूपी हो गया, यूपी में पूरा, और मध्य प्रदेश में क्या है जो दुकानों पर क्या है नेम प्लेट वगैरह रखा जाता है लगाने की बात बताया है। देखिए ऐसी बात नहीं कि जो अनाज होता है, आप लोग अगर खेती बाड़ी से जुड़े हैं तो आपको मालूम होगा जो अनाज लाया जाता है तो उसको किस तरह से लाते हैं और उसका किस तरह से प्रोसेसिंग की जाती है, फल और सब्जियों की, वो क्या होता है वास्तव में अगर धर्म के हिसाब से देखा जाए सब क्या है अपवित्र हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि हमारे घरों में जो सेब वगैरह आता है वो कश्मीर से आते हैं, और कश्मीर में तो सभी क्या है मुस्लिम आबादी है लगभग, तो फिर इसमें क्या होता है बहुत सारी दिक्कतें होने लगी। फिर क्या होता है हमारे देश में देखिए 90% जो क्या होता है मैनुअल वर्क करने वाले अधिकतर लोग हैं वो क्या मुस्लिम है। अब उनको कहाँ तक रोक पाएंगे, अब जो इसके बारे में सोचते हैं उनको भी क्या है तो कानून के बारे में भी सोचना भी, आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैंड भी लगा दिया है। तो इससे क्या था ये क्या है, ये धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा है, और राजनीतिक मुद्दे में धार्मिक मुद्दे का रूप डाल दिया। तो इससे क्या होता है, तो सुकारत का मानना था कि जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो राजतंत्र के कारण होता है, इसलिए राजतंत्र को क्या है सही करना पड़ेगा, और राजतंत्र को सही करने के लिए क्या युवाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा, युवाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा, नागरिक को आगे बढ़ना पड़ेगा, देश के लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा और राजतंत्र पर दबाव डालना पड़ेगा। इसलिए आप लोग जानते हैं जब कोई व्यक्ति राजतंत्र के खिलाफ ऐसे अगर आवाज उठाए, अभी देखिए लोकतंत्र में अगर ऐसे आवाज उठाता है उसको जेल में डाल देते हैं, और राजतंत्र में अगर ऐसे व्यक्ति अगर कोई किसी का आवाज उठाए उठाएंगे आप देखिएगा उत्तराखंड में श्रीदेव सुमन जी को क्या है इस तरह से उनको भूख हड़ताल से उनका डेथ हो गया है। राजतंत्र के खिलाफ आज क्या उत्तराखंड या कोई भी देश जो अभी भी क्या उस राजतंत्र या उस परिवार को क्या है अभी भी आदर्श मान रहे हैं। भाई श्रीदेव सुमन क्या होता है यही तो बोल रहे थे कि लोकतंत्र लाइए राजतंत्र खत्म कीजिए, लेकिन उस समय उनको जितना प्रताड़ित की गई है क्या आज भी क्या उत्तराखंड के लोग उन्हीं लोगों को जीता जीता के संसद में भेज दे रहे, मंत्री बना रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो केवल उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या है कि लोगों में भी क्या है इस तरह से भावनाएं जागृत हो जाता है। तो सुकरात ने बोला था कि युवाओं को राजतंत्र को करने के लिए क्या होता है लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, और राजतंत्र
वो क्या होता है, लोकतंत्र में बदलना पड़ेगा। इसलिए क्या है, जनता का प्रतिनिधि होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल होना चाहिए। और इसी बात पर क्या है, उस समय के जो राजतंत्र थे उन्होंने क्या है, सुकरात को जो जहर दे के मरवा दिया था, हम लोग जानते हैं। अब सुकरात का जो विचारधारा है उसी को आगे किसने बना, आगे बढ़ाया, प्लेटो। तो प्लेटो भी क्या, उन्हीं के विचारधारा को आगे बढ़ाएगा, बढ़ाएंगे क्रांतिकारी सोच। आज बताइए, बुद्ध जैसा व्यक्ति अगर आज बन जाए तो समझिए कि उसका क्या है, किसी भी जगह उसका मर्डर हो सकता है। जब बुद्ध ने बोला कि जो वैदिक धर्म है वो उनको हम फॉलो नहीं करेंगे, उसमें बड़ा व्यवस्था है, खुले मंच से उन्होंने इसका ऐलान किया, तो समझ सकते हो उन्होंने कितना बड़ा विरोध किया होगा। तो इस समय अगर ऐसे किसी भी धर्म के, वैदिक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी धर्म में अगर इस तरह से कोई विरोध करेंगे तो उसको क्या है, बहुत सारे दिक्कत पैदा होने लगेंगे। तो देखिए, जहां पे स्वतंत्र विचारधारा नहीं बन पाएंगे, वो देश वो समाज क्या होगा, पीछे रह जाएंगे। अगर कोई समाज अगर पीछे है तो उसके लोगों के या उस क्षेत्र के लोगों के में क्या है, स्वतंत्र विचारधारा की कमी है। क्योंकि स्वतंत्र विचारधारा होंगे तभी क्या है, इनोवेशन होगा, इनोवेशन होगा तो सब कुछ होगा। भाई यूरोप में स्वतंत्र विचारधारा जब आया तभी यूरोप में विकास किया है, उसके बाद अमेरिका में, आप बताइए अमेरिका इतना विकास क्यों किया है, कभी सोचिएगा। अमेरिका में अगर रिसर्च करेंगे तो अमेरिका में जितने भी कैदी वगैरह थे या जिनको देश निर्वासित कर दिया था वो सब अमेरिका में पहुंचे थे। जब उनको बंधन से मुक्त मिले तो उनको स्वतंत्र मिला, और स्वतंत्र जब मिला तो उन्होंने अच्छे अच्छे विचार लाए। तो जहां पे अच्छे विचार होंगे वहां देश क्या होगा, आगे बढ़ेगा। चलिए वाला बात है, तो प्लेटो ने क्या है, जो सुकारत के जो आदर्शवाद है या यूटोपिया जिसे कह सकते हैं, कि एक जैसे राम राज्य है कि जहाँ पे कुछ चोरी वगैरह ना हो, लोग अपने तरह से काम करें, किसी को नहीं होगा, ये क्या है, कल्पना है, लेकिन ऐसे कभी हो नहीं सकता है। तो इसमें देखिएगा तो इनमें क्या है, लोकतंत्र की नींव रखी है, डेमोक्रेसी, क्योंकि राजतंत्र में ऐसा संभव नहीं था। राजतंत्र में लोगों का जो न्याय है या लोगों को जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए थी, फ्रीडम मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल सकता था। आप लोगों ने शायद इसके जो एजुकेशन वाला चीज है वो आप लोगों ने फर्स्ट पेपर में पढ़े होंगे, प्लेटो के। तो प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था, एथेंस में हुआ था। और ये क्या है, इनकी जो मेन पुस्तक है इसको याद रखिएगा, यही पूछा गया है, बार बार इसी पुस्तक को पूछता है, रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक का मतलब आप लोग जानते हैं, गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब हो गया लोगों का तंत्र, आपको बताया था, यानी जहाँ पे हमारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट क्या है या हेड ऑफ द नेशन क्या हो, जनता द्वारा चुनी जाए, तो उसे क्या कहते हैं, रिपब्लिक कहा जाता है। तो रिपब्लिक की बात की गई है, तो रिपब्लिक क्या, प्लेटो के आदर्श राज्य, जो आदर्श है ना, आइडियल स्टेट क्या होना चाहिए। आइडियल स्टेट वही होगा जिसमें क्या होता है, सरकार का इंटरफेयर जनता पर कम से कम हो। सरकार का क्या होता है, जो हस्तक्षेप है वो जनता पर कम से कम, अधिकांश राज्य के अधिकांश संसाधन क्या होता है, जनता के हाथों में होना चाहिए। लेकिन ये संभव नहीं है, फिर सरकार के में बैठे हुए लोग क्या खाएंगे पिएंगे। तो द रिपब्लिक प्लेटो के आदर्श राज्य, कौन सा राज्य, आइडियल स्टेट की बात करते हैं प्लेटो, क्योंकि ये सुकरात जी ने पहले ही बताया था कि यूटोपिया होना चाहिए हर चीज का, ताकि दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, यहाँ एक न्यायपूर्ण समाज है। जैसे देखिए समाज कैसे होना चाहिए, न्यायपूर्ण, यानी हर चीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो जस्टिसफुल होना, यानी जो आपको बता दीजिए, जो हमारे प्रियम्बल में क्या लिखा है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, तीन प्रकार के जस्टिस की बारे में बात की गई है। तो समाज में क्या है, आज भी हमारे समाज में इन सारे तीनों जो जस्टिस है वो नहीं मिल रहा है सभी लोगों को। आज भी देखिएगा, अभी आप लोगों ने देखा होगा किसी गांव में ढोल बजा रहे थे और उसी गांव के सभी दलितों का बहिष्कार कर दिया। तो इतने 21वीं सदी में अगर लोग इस तरह का अगर विचार अपने मन में रखेंगे तो इससे ज्यादा मूर्ख उनको और क्या कह सकता है, वो क्या कहा जा सकता है। विचार तो भाई देखती है, अब कोई ऊंचा नीचा है हो सकता है, कोई परे है, कोई अनपढ़ हो सकता है, क्योंकि तो आपके पूर्वज भी क्या है, सब पढ़े लिखे एमबीबीएस करके बैठे हुए नहीं है, थे नहीं, वो भी क्या है, गांव से आए हैं, जंगलों से आए हैं, वो अब क्या है, शब्द हो गए हैं। तो अब जो शब्द नहीं है उसको आप उस तरह से नकार नहीं सकते। तो ये क्या है, ये आदर्शवाद का क्या है, एक पहलू है जिसमें सामाजिक न्याय होनी चाहिए, आर्थिक न्याय होनी चाहिए, और पॉलिटिकल यानी जो राजनीतिक न्याय होनी चाहिए। ये तीनों प्रकार के न्याय की बात किसने किया है, प्लेटो ने किया है, जो क्या है आज भी हमारे प्रियम्बल में तो है लेकिन वास्तव में धरातल पर नहीं है। तो बहुत सारे इसमें,
इस संबंध में प्लेटो ने क्या राजनीतिक और नैतिकता और दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर, देखिए राजनीति तो मेनली आपको पढ़ना है, उसके बाद नैतिकता और उसके बाद दर्शन। देखिए राजनीति तो आपको पढ़ना है, राजनीति देखिए राजनीति कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन राजनीति के साथ जब कूटनीति हो जाता है ना, तो ये ज्यादा घातक हो जाता है। राजनीति कोई गलत चीज नहीं है, राजनीति क्या होता है, राजनीति करके परिवार में भी राजनीति चलता है, हर जगह चलता है, लेकिन जब वो कूटनीति होता है किसी विशेष वर्ग या विशेष व्यक्ति पर अगर टारगेट करेंगे तो उनसे गलतियां हो जाएगा। जैसे देखिए क्या होता है, अगर अगर आप किसी आपके परिवार में किसी एक व्यक्ति को नजर रखिए कि वो कहीं गलती ना करे, गलती करे पकड़े, तो देखिएगा 24 घंटे में कोई ना कोई गलती कर ही देगा, तो आप भी कर देंगे, कोई ना कोई गलती कर ही देंगे। तो इसलिए अगर किसी पर निगरानी रखेंगे तो नहीं हो सकते। नैतिकता, देखिए राजनीति जो है वो क्या होता है, व्यक्ति को एक आवरण दे सकता है, लेकिन व्यक्ति के जो अंतरात्मा है उसको अगर जगाना है, एथिक चीज को जगाना है, तो नैतिकता बहुत जरूरी है। और अंतरात्मा की बात जब तक नहीं होगी व्यक्तियों में, तब तक क्या होगा, व्यक्ति हर जगह सही काम नहीं कर सकता, क्योंकि अंतरात्मा की अगर बात समझेंगे तो जब भी वो अकेले होंगे तब भी सोचेंगे अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ तो ऊपर वाले या कोई भी भगवान या कोई भी ऐसे शक्ति है वो मुझे देख रहा है, और उस गलती का मुझे क्या होगा, सजा जो भी मिलेगा मिलना मिलेगा। तो ये नैतिकता के ऊपर आता है। लेकिन अब नैतिकता नहीं है तो भाई कोई देख नहीं रहा है, चोरी करो, खा जाओ, किसी को मारो, कूटो, कोई नहीं देख रहा है, तो उसमें क्या होता है, राजनीति से के राजनीतिक रूप से क्या होता है, आप तो कोई अपराधी नहीं है, लेकिन नैतिक रूप से आप अपराधी बन जाएंगे। लेकिन आजकल जो राजनीतिक रूप से क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या है, अपराधी नहीं है, लेकिन अगर नैतिक रूप से अगर देखा जाए, नैतिक रूप से अगर देखा जाए तो लगभग लोग जितने भी धरती पर लोग रहते हैं सभी क्या ना कहीं क्या है, गलत काम किया है कभी ना कभी। तो गलत काम मतलब किसी का मर्डर करना, ये गलत काम नहीं है, एक गलत काम है, वो तो गलत कामों का एक प्रकार हो सकता है, और भी बहुत सारे चीज हो सकता है, किसी के प्रति ईर्ष्या करना, किसी के प्रति दुर्भावना करना, और किसी के प्रति क्या होता है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ये सब भी क्या होता है, नैतिकता के दायरे होते हैं। इसे देखिए भारतीय जो सनातन या वैदिक धर्म है वो नैतिकता पर, दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं है जो पहली बार आपसे नहीं बोलेंगे कि नैतिकता का पालन कीजिए, हर धर्म में नैतिकता की बात की गई है। लेकिन क्या है आजकल क्या है, धर्म के जो ये वाला पार्ट है जिसमें शिक्षा वाला पार्ट है ये लोग कम फॉलो करते हैं, और जो से कर्मकांड वाला पार्ट है वो ज्यादा फॉलो करते हैं। उसको आपको बताते हैं कि उसको फॉलो करना इजी है, इसको फॉलो करना बहुत कठिन है। इसलिए आप लोग देखेंगे कि आजकल क्या है, जितने भी उच्च एग्जाम होते हैं उसमें क्या एथिक्स का अलग से पेपर होता है, कि जो अधिकारी बने उनके अंदर एथिकल या एथिक का मॉरलिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए, सहानुभूति का होना चाहिए, समानुभूति का उनके अंदर, इम्पैथी सिंपैथी उनके अंदर होना चाहिए, उसके बाद उनके अंदर क्या होना चाहिए, भावनात्मक समझ का डेवलपमेंट होना चाहिए। भावनात्मक समझ अगर नहीं होंगे तो आप सामने वालों को नहीं समझ पाएंगे और अपने बात को सामने वालों को समझा नहीं पाएंगे। इसीलिए क्या है, जो इमोशनल इंटेलिजेंसी है वो बहुत जरूरी है, जिसको भावनात्मक संज्ञान या भावनात्मक ज्ञान कहा जाता है, ये आजकल क्या बहुत जरूरी है। चाहे आप सही तरीके से काम करें तब भी जरूरी है, गलत तरीके से काम करेंगे तब भी जरूरी। बहुत सारे लोग देखिए चोर डाकू वगैरह या गलत बोलने वाले व्यक्ति क्या होता है, बातों से क्या होता है, लोगों को लूट लेते हैं, तो उसके पास क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंसी है इनके पास, तो इमोशनल या जो कहते हैं भावनात्मक जो समझ है वो भी बहुत जरूरी है। जैसे क्या है, अगर कोई राजनेता किसी भी पार्टी को वोट देने के लिए हम मजबूर क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या है, उनके बात करने में क्या है, भावनात्मक समझ ज्यादा है, तो ये क्या है, नैतिकता होनी चाहिए। और दर्शन जानते हैं, दर्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को व्यक्ति से अलग करके देखना। जैसे आप मान लीजिए किसी भी एक व्यक्ति के बारे में आपको रिसर्च करना है, तो पहले आपको इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये व्यक्ति नहीं है बल्कि एक वस्तु है, उस वस्तु को पर पहले विचार कीजिए, कि जब उसको व्यक्ति बना देंगे ना, तो उसमें बहुत सारे क्या होता है, आपका उसका नजरिया ढूंढने लगने शुरू कर देंगे कि ये किस जाति का, किस धर्म का है, कितने ऊंचा है, गोरे है, पतले है, लंबे है, दिखने में कैसा है, ये बहुत सारी चीज होगा। जब उसको वस्तु के रूप में जब उसका अध्ययन करना शुरू करेंगे तो
वह दर्शन होगा। इसलिए आप लोग देखे होंगे जो उपनिषदों में क्या है दर्शन के बारे में आप लोगों को बताया था कि एक बार एक बार। उसके बाद हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए पहले वो सब क्या दर्शन पर बल दे गए। देखिए ऋषि मुनि क्या होता है कभी भी मूर्ति पूजा पर उतना बल नहीं दिया। आप लोगों ने रामायण महाभारत अगर देखे होंगे वो लोगों ने दर्शन पर ज्यादा बल दिया है। इसको ये चीज क्या है इसी समय का है तो ये भी क्या है प्लेटो भी क्या था जब हमारे गौतम बुद्ध हुए थे उसके बाद आपके रामायण और महाभारत और उपनिषद जब लिखे गए थे हमारे यहाँ पे उसी समय का क्या है ये प्लेटो है। उसी समय का क्या है इनके अंदर भी क्या है उस तरह का विचारधारा है। प्लेटो सुझाव देते हैं कि विभिन्न सामाजिक जुटों के परस्पर विरोधी हित को समेटना संभव है। ये क्या होता है जो भी हमारे यहाँ सामाजिक गुट होते हैं वो दूसरे गुटों से या दूसरे समूह से क्या होता है कोई ना कोई क्या विरोध होता है। इसका सबसे विरोध का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है एक तो जियोग्राफिकल सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है क्योंकि हर जगह के सामाजिक जो समूह होता है वो जियोग्राफिकल के अनुसार उनका शारीरिक संगठन बदल जाता है उनका रहन सहन बदल जाता है खान पान बदल जाता है। आप बताइए दक्षिण भारत और बंगाल में चले जाएंगे तो वो लोग क्या है दुर्गा पूजा के दिन भी मछली मीट खाते हैं। अगर उत्तर भारत में आ जाएंगे तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा बहुत बड़ा है। आप पहाड़ों में भी बहुत जगह देखे होंगे मंदिरों में बलि चला जाता है बकरा वगैरह तो वो क्या होता होते रहते हैं। लेकिन क्या है जो गंगा वाला बेल्ट है यहाँ पे तो बहुत बड़ा पाप माना जाएगा। अभी विवाद चल ही रहा है कि किसी के दुकान में लहसुन वगैरह प्याज वगैरह इस्तेमाल ना करे तो ये बहुत बड़ा इश्यूज है कि भौगोलिक के कारण क्या बहुत सारे चीज क्या बदल जाते हैं। आप लोग यूपी वगैरह में या बहुत जगह पे अभी भी क्या होता है जो रूम वगैरह देते हैं तो रूम देने से पहले उनसे पूछ लेता है कि आप किस जाति के कहाँ से आते हैं नॉन वेज खाते हैं कि नहीं खाते हैं। बहुत सारे होते हैं यूपी में भी उत्तराखंड में भी होता है खासकर हल्द्वानी में भी बहुत जगह पे होता है जगह तक मैंने देखा हूँ तो ये सब होता रहता है कि वो उनको लगता है कि ऐसे अपवित्र हो जाएंगे ये सब क्या। अब भाई वो भौगोलिक परिस्थिति कारण क्या होता है वो उस तरह के इस्तेमाल चीज कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं उनका प्रस्तावित राजनीतिक आदेश तर्क और न्याय पर आधारित। देखिएगा सुकरात का जो सबसे बड़ा चीज था वो तर्क जिसे कहते हैं लॉजिक। आजकल आप देखिएगा हर एग्जाम में क्या है रीजनिंग पूछी जाती है। रीजनिंग क्यों पूछी जाती है रीजनिंग का मतलब होता है तर्क। देखिए हमारे जो आर्ट साइड वाला जो पढ़ाई होता है ना उसमें रीजनिंग नहीं है तो व्यक्ति में क्या होता है विश्लेषण की क्षमता कम हो जाती है जिसको आप एनालिसिस पॉइंट से कहते हैं। और जो व्यक्ति विश्लेषण नहीं करेंगे वो पिछड़ जाएंगे किसी भी समाज में। तो इनका प्लेटो क्या था सुकरात के शिष्य थे तो सुकरात ने क्या बताया तर्क हर चीज को तर्क के आधार पर समझना चाहिए तर्क यानी लॉजिक के रूप में देखना चाहिए वो सही है कि गलत है। और वो न्याय पर बेहतर होना है न्याय का मतलब क्या होगा यहाँ देखिए इस समय के जो न्याय था ना उस समय न्याय कैसा था नेचुरल जस्टिस जिसे कहते हैं प्राकृतिक न्याय जिसे कहा जाता है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको अनुसार उसको सजा मिलना चाहिए। तो एक तो तर्क होना चाहिए। अब देखिएगा अधिकतर हमारे समाज में मानते हैं कि फीमेल्स होती है उनको क्या है ज्ञान कम होता है ऐसे कुछ बात नहीं है। जितने भी लोग बोलते हैं उनसे पूछना चाहिए कि क्या आप अपने घरों में जो फीमेल्स रहते हैं उनको कितने बार आपको आप जितनी बार मार्केट जाते हैं आपने जीवन में जितनी बार मार्केट गए थे उतनी बार अपने फीमेल जो भी आपके घर में सदस्य उनको मार्केट भेजे हैं उनको कई चीज खरीदने के लिए दिया है उनको समाज में नेतृत्व करने के लिए दिए हैं। जब नहीं दे सकते हैं इतने सारे तो उनसे तर्क की आकांक्षा कैसे कर सकते। अब जब अपने फीमेल को दूसरे से बातें करने के लिए तर्क करने के लिए नहीं देंगे डिबेट करने के लिए देंगे तो उनके अंदर तर्क कहाँ से आएगा। उनको आप गणित विज्ञान नहीं पढ़ाएंगे तो उनके अंदर तर्क कहाँ से आएगा। तो यही पहली बात होगा कि आप जितने बार मार्केट गए आप जितने बार दुकान से सामान लाने गए क्या आपके घर के फीमेल को उतना आज़ादी आपने दिया है आपको आज़ादी मिला है तो फीमेल को कितनी आज़ादी मिलनी चाहिए। तो ये बात अगर हर समाज में अगर हर घर से अगर पूछना शुरू कर देंगे तो ये जो महिला पे जो अबला वगैरह जो नारा लगाया जाता है ये सब क्या होता है 2 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन इसको उठाना बहुत मुश्किल काम है। इकोनॉमिक सबसे ज्यादा क्या इकोनॉमिक का दिक्कत है कि फीमेल के पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा समाज में ये बढ़ती जाएगी। तो तर्क होना चाहिए हर विषय में। देखिएगा गणित और जो हमारे विज्ञान है इनमें तर्क होता है। और पहले के जितने भी आप
आर्ट्स के किताब देखे होंगे, आजकल थोड़ा सा एनसीईआरटी आके बदलाव होगा, बहुत सारी चीज सुधरी है। पहले के आप अगर आप इतिहास, पॉलिटिकल साइंस और अगर आप बहुत से पुस्तक देखेंगे तो उसमें केवल क्या है, विवरण दिया होता था, केवल होता कि ऐसा है तो ऐसा, अकबर है, अकबर के कितने विवाह हुआ, क्या हुआ, कितने रानी थे, राजमहल कैसा था, भाई इससे तर्क कहाँ से आएगा, अकबर ने महाराणा प्रताप को कैसे हराया, उसके लिए क्या प्लानिंग किया, ये तर्क होगा ना। महाराणा प्रताप को हराने के लिए अकबर ने क्या रणनीति किया है, या राजपूतों को हराने के लिए उन्होंने क्या कौन सा नीति अपनाया होगा, तो ये तर्क हुआ ना। तो अकबर के कितने पत्नी थे, कितने बच्चे थे, ये पढ़ के कहाँ से तर्क आएगा। तो इसको किताबों में बहुत बदलाव हो रहा है, और भी समाज समय के अनुसार और बदलाव होना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है, समाज के भीतर सामंजस्यपूर्ण एकता बनाना है, जो तर्क के आधार पर और न्याय के आधार पर, एकता एकता को बनाना बहुत जरूरी है समाज में। यह आदेश समाज के प्रत्येक हिस्से को दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना पनपने की अनुमति देता है। देखिए अगर ऐसा होगा, अगर तर्क होगा, देखिए तर्क अगर होगा तो आप सोचेंगे कि मैं अगर किसी को गाली दे रहा हूँ तो मुझे भी तो कोई व्यक्ति गाली दे सके, तब मैं क्या करूंगा। अगर मैं किसी को गाली दे रहा हूँ तो उसके अंदर जो भी चेतना या संवेदना उत्पन्न हो रहा है, अगर मुझे भी कोई गाली देगा तो मुझे भी उसका उतना चेतना या उतना संवेदना या उतना क्रोध हो सकता है, तो मैं क्या ऐसे इसको हैंडल करूं। अगर मैं खुद नहीं कर सकता तो दूसरे को मैं क्यों गाली दूं। ये क्या है, तर्क से आ सकता है। और यही देखिए, यही तर्क जब आगे बढ़ जाता है ना तो उसी को क्या कहते हैं, अध्यात्म कहा जाता है। तर्क जब बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अध्यात्म कहा जाता है। इसलिए देखिएगा हमारे यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हुआ, छोटे मोटे की बात नहीं कर रहा, बड़े ऋषि मुनि हुआ, वो जो भी किताब या वो चीज लिखी है वो क्या है, हमेशा तर्क की बात करते हैं, किसी एक पक्ष को लेकर नहीं चलते। उस समय भी क्या थे, मुसलमान को और ईसाई वगैरह नहीं थे, जब वेद वगैरह लिखी गई है तभी उस तरह की बातें उसमें की गई है। तो इसमें कुल कुल मिला के क्या है, प्लेटो ने जो सुकरात के जो आदर्शवाद है उसी को क्या है आगे बढ़ाया, और उसके लिए समाज में तर्क और क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। और इसी से क्या है, जो समाज में क्या होता है, जो सामंजस्य है उसको बनाया जा सकता है। नहीं तो क्या होगा, हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचने लगेंगे, तर्क नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, दिक्कत रहेंगे। आगे है प्लेटो के राजनीतिक विचार की प्रमुख अवधारणा, विचार का सिद्धांत। प्लेटो ने क्या बताया, प्लेटो ने विचार का सिद्धांत, उसके इस सिद्धांत को रूपों का सिद्धांत कहा जाता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये कई पूछ सकता है कि रूपों का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप बताइएगा प्लेटो ने दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार भौतिक दुनिया अपरिवर्तनीय विचारों या रूपों से उच्च क्षेत्र का प्रतिबिंब मात्र है। जो भौतिक दुनिया है इसको फिजिकल वर्ल्ड कहा जाता है, जो फिजिकल वर्ल्ड है वो अपरिवर्तनीय विचारों या रूपों के उच्च क्षेत्र का प्रतिबिंब करता है। देखिए हमारे यहाँ पे जो भौतिक दुनिया है, भौतिक मतलब जो चीज क्या है, जो भी हमारे आसपास या हम लोग जिससे भी बने हुए हैं, इनमें क्या है, अपरिवर्तनीय विचारों, यानी विचारों में क्या होगा, अपरिवर्तनीय है या रूपों के उच्च क्षेत्र का प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है। यानी क्या होता है, उसमें क्या है, उच्च क्षेत्र का प्रतिबिंब, उसका जो शैडो दिखाई देता है, ये विचार परम वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब ये वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे आप बताइए, बहुत से लोग सोचते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो क्या है, निर्जीव है। बहुत से लोग बोलते हैं कि जो पशु हत्या है या पशुओं को लोग खाते हैं या मांस मछली जो खाते हैं वो बहुत बड़े पापी कर रहे हैं। लेकिन क्या है, अगर आप किसी साग सब्जी को भी काट के उस पेड़ से अलग करके खा रहे हैं तो ये भी तो क्या है, एक जीव हत्या माना जाता है। आप देखिएगा जितने भी धान गेहूं होता है, ये क्या होता है, हम खेतों में उसके ऊपर के जो फल होता है या बीज होता है उसको नीचे गिरने से पहले हम उसको काट देते हैं। धान को अगर हमें उसको चावल बनाना हो तो धान जब जिंदा रहता है तभी उसको पौधे को काट दिया था ना। तो एक हिसाब से देखा जाए तो वो भी तो मृत्यु हम कर रहे हैं। जैसे किसी को प्याज लेना है खाना है, लहसुन खाना है, या मूली गाजर हो गए, भाई जिंदा ही तो उसको मिट्टी से उठा के उसको काट के खा रहे हैं। हो सकता है कि वो उनके आवाज करने का क्षमता नहीं है इसलिए हम उसको सुन नहीं पा रहे, और किसी जानवर को मार के खा रहे हैं तो वो आवाज कर रहे हैं। इसलिए क्या है, जो वास्तविक प्रतिनिधित्व करते हैं, जो वास्तव में जो हमारे भौतिक चीज है वो भी बहुत सारे चीज क्या है, हमारे चीज बात करते हैं। जैसे इस जो विश्व में जो भी दुनिया में है, बहुत सारे जो नदियां है, पर्वत है, पेड़ पौधे हैं, ये हमें बहुत सारे चीज क्या है, हमें उसका याद दिलाता है, इसका
विनाश करेंगे तो उसका क्या होता है, नुकसान हमारे ऊपर आएगा। भौतिक दुनिया इस परिपूर्ण रूप की अपूर्ण नकल मात्र है। जो हमारा भौतिक दुनिया है, जो हम लोग परिकल्पना करते हैं या परिपूर्ण करने की बात करते हैं, वो क्या है, उसका नकल मात्र है। ये उनका विचारों का सिद्धांत है। तो अगर इस तरह से अगर सोचने लगेंगे तो बहुत सारे लोगों को क्या दिक्कतें होने लगेंगे। अब बताइए, गाय के दूध लोग पीते हैं, बताइए जो गाय जंगलों में रहते हैं उनका दूध कौन पीते होंगे? क्योंकि गाय का दूध क्या है, वास्तव में भारतीय जो गाय है उसका दूध पीने लायक है नहीं। पीने लायक मतलब उसमें कोई गंदगी इसका मतलब नहीं है, वो इतना ही दूध देती है जो अपने बछड़े के लिए पर्याप्त होता है, इसलिए उसको पीने लायक नहीं माना जाता है। अब जो हाइब्रिड गाय बनाए गए हैं उसके दूध क्या होता है, उसके बच्चे से ज्यादा हो जाते हैं, तभी उसको पी सकते ना। आप बताइए, हमारे यहाँ पे जो गाय है वो 3-4 लीटर मैक्सिमम क्या 5 लीटर दूध देती है, और उतना तो क्या होता है एक बछड़े को चाहिए होता है। तो भाई आप जबरदस्ती उसको बांध के, उसको गाय को डरा धमका के उसका दूध निकल के आप उसका इस्तेमाल करेंगे, अगर मनुष्य को के साथ अगर ऐसा किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये भी क्या है, ये तर्क से आएगा, ये तर्क लोग सोचते नहीं है और फिर दार्शनिक में आ जाते हैं। अगला है दार्शनिक राजा। प्लेटो का मानना है कि आदर्श शासक दार्शनिक होना चाहिए। देखिए, दार्शनिक का मतलब होता है साधु संत नहीं। आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़े राजा थे जिसको दार्शनिक राजा कहा जाता है, वो है राजा जनक। राजा जनक का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, सीता के पिताजी जिसे मानते हैं, उन्हें दार्शनिक राजा कहा जाता है। या हमारे जो राष्ट्रपति थे राधा कृष्णन जी, तो उनको भी दार्शनिक राष्ट्रपति कहा जाता है। ठीक है, दार्शनिक का मतलब होता है जो राजा जनक के जो सभा थे ना, उसमें उस समय महिलाओं को भी वहां पे आमंत्रित होते हैं, और वहां पे क्या है, तर्कशास्त्र होता था, यानी लोगों के बीच में या जो भी विद्वान होते थे उनके बीच में तर्क होते थे, और उसे तर्कशास्त्र होते थे, यानी वाद विवाद होते थे। जब वाद विवाद होगा तभी तो कोई नया हल मिलेगा। आप देखिए, उनके दरबार में गार्गी होते थे, बहुत बड़े 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 महिलाएं होती थी और विद्वान होती थी। तो इससे क्या होगा, समाज में महिलाओं को भी क्या है, तर्क शास्त्र करने का अधिकार मिला। खुद राजा दशरथ ने हल चलाए। अब बताइए, क्षत्रियों को पहले हल चलाने का अधिकार नहीं था, मतलब झुका पड़ा जो भी करा, लेकिन क्या होता है उनको हल चलाते हुए दिखाई दिया। तो ये बहुत सारे उसके मतलब सीता जी ने क्या शिव जी के धनुष को उठाया। अब इसमें क्या दिखाया जाता है कि घर के काम करने में क्या होता है, नौकर चाकर से बड़े क्या घर के सदस्यों को उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। जो धनुष था वो नौकरों से भी उठा के अलग लग सकते थे, लेकिन सीता जी को उनको हटाने की आवश्यकता की थी। तो ये बहुत सारा ऐसे चीज है जो क्या है, दार्शनिकता को प्रदर्शित करता है। अगर उसको बढ़िया से अगर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, नहीं तो ऊपर ऊपर क्या होता है कुछ समझ में नहीं आता। तो दार्शनिक राजा होने पर क्या होता है कि सभी वर्ग का, सभी समाज के लोगों का ध्यान रखा जाता है। अगर दार्शनिक नहीं होंगे तो क्या होगा, वो चीज उनको समझ में नहीं आएगी। अभी वो आपको बताया, दर्शन का मतलब होता है व्यक्ति को उसके परिप्रेक्ष्य से अलग करके देखना। जैसे जल है, जल केवल पीने के लिए अगर इस्तेमाल करते हम लोग तो क्या होगा, जो सामान्य व्यक्ति होगा बोलेगा जल का क्या यूज है, हम बोले केवल पीने के लिए होता है। जल केवल पीने के लिए नहीं होता है, जल के बहुत सारे क्या का आयाम हो सकते हैं, जल के बहुत सारे आयाम होते हैं, लेकिन सामान्यतः हम उसको क्या पीने के लिए होते हैं। इसका दार्शनिक महत्व देखेंगे, जल का तो बहुत बड़ा महत्व हो जाएगा। तो राजा कैसे होता है, दार्शनिक। उसके पास बुद्धि होना चाहिए, देखिएगा, ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद सत्य की गहराई की समझ होनी चाहिए। देखिए, जब उनके पास अच्छी नॉलेज नहीं होगा तो जो सत्य है उसकी समझ कैसे डेवलप होगी? अगर सत्य की समाज अगर डेवलप नहीं हो पाएगा तो राजा न्याय कैसे करेगा? राजा को न्याय करने के लिए क्या चाहिए, उनको ज्ञानी होना बहुत जरूरी है। इसलिए देखिएगा, अभी हमारे देश में प्राचीन काल में टोल का शासकों में जो ग्राम प्रधान बनते उनके लिए क्या था, एक नियम था कि वो कम से कम एक एक वेद का ज्ञाता होना चाहिए। एक वेद का क्या होना चाहिए, ज्ञाता होना चाहिए। कुछ जगह पे था, ऐसे नहीं कि नहीं था, भारत में भी बहुत जगह पे ऐसे अच्छे अच्छे चीज रहे हैं, लेकिन क्या समय के साथ वो विलुप्त हो गया है या कहीं कहीं पे अभी भी दिखाई देता है। दार्शनिक राजा ज्ञान और आम भलाई की खोज से प्रेरित होता है।
यह उन्हें समाज पर शासन करने और नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त। देखिए इसका मतलब देखिए दार्शनिक राजा होगा ना, तो सबसे बढ़िया है उनका विकास कैसे होगा, धारणीय विकास होगा। धारणीय विकास का मतलब होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा तो जो पीढ़ी हम जी रहे हैं इसके लिए तो सोचेंगे सोचेंगे, आने वाले पीढ़ी के बारे में भी सोचा जाएगा। तो इसके लिए दार्शनिक राजा होना चाहिए। अगर दार्शनिक राजा होगा तो जी भत्ता पर मना करेगा, पेड़ पौधे को काटने के लिए कम करेगा, लोगों के आपस में जो लड़ाई झगड़े उसको कम करने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा, या जो प्राकृतिक संसाधन है उसका क्या होता है, जो समुचित उपयोग है या उसका जो उचित उपयोग है उसको करने के लिए बोलेगा, इसको धारणीय विकास कहते हैं। धार्मिक विकास कैसे हो सकता है, दार्शनिक राजा होने के कारण हो सकता है। यानी कुल मिलाकर क्या होता है, उच्च पढ़े लिखे व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, व्यक्ति तो बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन आजकल जो व्हाइट करप्शन जो हो रहा है, जिसको व्हाइट शॉर्ट करप्शन कहते हैं, जो सफेद कपड़े पहन के जो करप्शन करते हैं, वो सबसे घातक है। आज देखिएगा सबसे कमजोर व्यक्ति या जो कम पढ़े लिखे वो ज्यादा करप्शन नहीं करते हैं या मारपीट या दंगा कम करते हैं, जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं या इस तरह के जो लोग हैं वही क्या होता है, मास्टरमाइंड होते हैं इन सब करवाने। अब देखिए भारत में जितने भी दंगे हुए हैं उनके हिस्ट्री उठा के देखेगा, कोई आम व्यक्ति दंगा कराने की हिम्मत ही नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पास इतना नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। दंगा करने के लिए लोगों को प्रेरित करना पड़ता है। जितने भी लोग हैं, जितने भी रिपोर्ट उठा के देखेगा, दंगे करने में पढ़े लिखे व्यक्ति ही क्या है, समाज के आगे आ रहे हैं और उन्होंने दंगा करवाया। तो ये भी क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है, पढ़े लिखे का भी क्या है दिक्कत है। आगे आदर्श राज्य, देखिए बोला ना आदर्श राज्य मतलब यूटोपिया स्टेट जिसे कहते हैं। प्लेटन तर्क द्वारा शासित एक आदर्श राज्य की कल्पना की, जिस राज्य में व्यक्तियों को तीन अलग अलग सामाजिक वर्गों में विभाजित किया, शासकों वर्गों में, योद्धाओं में और क्या उत्पादकों में। प्रत्येक वर्ग की विशिष्ट भूमिका और जिम्मेदारियां हैं, ये राज्य की समग्र संभावना सद्भावना में पूर्ण होते हैं। कैसे होना चाहिए, एक शासक वर्ग होना चाहिए, एक योद्धाओं का वर्ग होना चाहिए और एक उत्पादकों का वर्ग होना चाहिए जो प्रोडक्शन करे। तो ये तीनों इस तरह के होना चाहिए, जो एक राजतंत्र में हो जो नौकरशाही और राजा अलग हो, योद्धा जो क्या होता है सेना वगैरह हो, और उत्पादक में क्या किसान हो सकते हैं, व्यापारी हो सकते हैं, कारीगर हो सकते हैं, ये सारे चीज लोग के एक दूसरे का क्या कर सकता है, विकास में भागीदारी कर सकता है। तो कैसे होगा, राज्य कक्ष में आदर्श होना चाहिए। देखिए गांधी जी का भी यही मत था कि राज्य कैसे हो, राम राज्य हो, कि हर व्यक्ति क्या है गांव से उसका उत्पादन अपने आप होने लगे। अब देखिए इनका क्या पश्चिमी देशों में क्या इसका प्रभाव पड़ा, पहले विचारों के सिद्धांत की व्याख्या। प्लेटो के विचार का सिद्धांत यह प्रस्तावित करता है कि भौतिक दुनिया जिसे हम देखते हैं वह मात्र एक प्रतिबिंब है, भौतिक दुनिया क्षणभंगुर है, अपूर्ण है, विचारों का क्षेत्र शाश्वत और अपरिवर्तनीय सत्य का प्रतिबिंब है। जो हम लोग भौतिक दुनिया है ये सब जानते हैं कि ये हमें एक दिन मरना है, सब जानते हैं, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता कि मुझे नहीं मरना है, फिर भी गलत काम करेंगे, फिर भी दूसरे को क्या है ठगने की कोशिश करेंगे, दूसरे से ईर्ष्या करेंगे। सबको मालूम है हमें मरना है, दुनिया में एकमात्र ये सत्य है कि इसको कोई झुठला नहीं सकता कि कोई इसमें लाखों साल तक जिंदा रहेंगे, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है। तो फिर भी लोग क्या है उसी को लिए लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो ये क्या है क्षणभंगुर वाला जिंदगी है, यानी टेम्पररी जिसे कह सकते हैं वर्ल्ड है। तो टेम्पररी वर्ल्ड में लोग क्या होता है इसको शाश्वत मान लेते हैं, और जो लोग इसको ज्यादा शाश्वत मतलब वास्तविक मान लेते हैं, जो लोग इस आयु को इस जीवन को वास्तविक मान लेते हैं वो लोग ज्यादा परेशानी में रहते हैं। हाँ जी, वो लोग क्या है ज्यादा परेशानी में रहते हैं। दूसरा राजनीतिक दर्शन का प्रभाव, प्लेटो के विचार के सिद्धांत का उसका बाद के राजनीतिक दर्शनों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने शासन में ज्ञान बुद्धि और न्याय की खोज पर बल दिया, जो अभी आपको बताया था। इसने पश्चिमी परंपरा में राजनीतिक विचार के विकास को आकार दिया। यानी पहले क्या था, राजतंत्र में ज्ञान बुद्धि और न्याय की कोई बात ही नहीं थी। राजा देखिए राजा का शब्द ही क्या है, कानून जब हो तो उसमें बुद्धि कहाँ से इस्तेमाल करेंगे, उसमें ज्ञान कहाँ से इस्तेमाल करेंगे, न्याय कहाँ से इस्तेमाल करेंगे। जब राजा बोलेंगे कि इसको मारो मारो तो फिर कौन उसको बचाएगा। आप लोगों ने कहानी सुने होंगे अंधेरी नगरी, उसमें क्या राजा खुद ही ज्ञान के अभाव में अपने आप को ही मार डालता। ऐसे राज्य होगा तो कैसे चलेगा।
आधुनिक लोकतंत्र से जुड़ाव,